दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा मुद्दा है या सब्जेक्ट है वो ये है कि 10 साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद क्या हरियाणा में कांग्रेस फिर सत्ता में लौट रही है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और सभी नेतागण ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस बार हम भाजपा को सत्ता से बाहर करके सत्ता में लौट रहे हैं और फिर सत्ता में लौटने के बाद कांग्रेस को हरियाणा को एक बार राष्ट्र का सबसे अव्वल राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। तो देखते हैं कि कांग्रेस नेताओं के इस दावे में कितनी सच्चाई है। क्या वो धरातल पर सही काम ऐसा कर रहे हैं या उनका काम वाकई में ऐसा है कि भाजपा को पराजित करके वो सत्ता में लौट आए। तो दोस्तों देखने की बात यह है कि इस बार जो वो लोकसभा चुनाव हुए उसमें से कांग्रेस ने भाजपा से लोकसभा की 5 सीटें छीन ली, वापिस ले ली। आप जानते हैं कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और पिछले 2019 के चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था और 10 की 10 सीटों पर भाजपा ने कांग्रेस को हराया था। लेकिन 2000 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने फिर वो वापसी की है, वो भाजपा का क्लीन स्वीप तो नहीं कर पाई लेकिन आधी सीटें यानी 5 सीटें भाजपा से उन्होंने वापस खींच ली। तो ये तो उम्मीद बंधती है कि कांग्रेस ने इन लोकसभा चुनावों में जो अच्छा प्रदर्शन किया है उसकी बिना पर विधानसभा चुनावों में उसकी लॉटरी खुल सकती है। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर हम कुछ स्पष्टीकरण देते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है कि सचमुच में कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनावों में सत्ता में लौटने जा रही है। तो दोस्तों उसका कारण है उनके जो दावे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो दावे हैं, कांग्रेस जनों के जो दावे हैं उसमें इसलिए उनका दावा इसलिए मजबूत लग रहा है कि लोकसभा के चुनावों में 2019 के मुकाबले कांग्रेस ने इस बार 20% ज़्यादा मत प्राप्त किए और किसी भी चुनाव में 20% मत ज़्यादा प्राप्त करने का मतलब बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर होना होता है। और जो नतीजे आए और हमने उनका विश्लेषण किया तो उसमें निकल कर आया कि इन लोकसभा के चुनावों में हरियाणा में जो वोट पड़े, हरियाणा की 90 सीटों में से 46 सीटों पर कांग्रेस आगे रही है, यानी उसने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है और 46 सीटें ही किसी भी पार्टी को हरियाणा में सत्ता में लौटने के लिए जरूरी होती हैं। क्योंकि हरियाणा में 90 सीटें हैं तो 46 सीटें जीतने वाला कोई भी दल सत्ता में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इससे भी जो बड़ा कारण है जिससे कांग्रेस का सपना शायद पूरा हो जाए, उसकी वजह ये है कि जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं,
विधानसभा चुनावों के मुकाबले में लोकसभा चुनावों में भाजपा को अधिक वोट मिलते रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनावों में तो स्थानीय मुद्दों पर वोट डाले जाते हैं, लेकिन अब तक के जो ये चुनाव हुए हैं 2014, 2019 या 2024, तो वो ये माना जाता था कि नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और चूंकि देश की जनता आम तौर पर 2014 2019 के चुनावों में तो उन्होंने इस तरीके से वोट दिया था कि हम राज्यों में दूसरे नज़रिए से वोट देंगे, लेकिन केंद्र में तो मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे। इसीलिए जिन विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों को ज़्यादा वोट पड़ते थे या वो सत्ता में भी होते थे, कई राज्यों में आए हैं बराबर, लेकिन लोकसभा चुनावों में मोदी जी के नाम पर हमेशा ज़्यादा वोट पड़ती रही, यानी विधानसभा चुनावों से जो वोटों का मत प्रतिशत था वो हमेशा ज़्यादा रहा। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले 20% मत ज़्यादा प्राप्त किए हैं हरियाणा में। और जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो जैसा क्या प्रचलन पिछले वर्षों में चलता रहा है, तो उस लिहाज से कांग्रेस का मत प्रतिशत ज्यादा निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और जो कांग्रेस जो ये दावा कर रही है इस बार 70 पार, यानी अभी लोकसभा के चुनावों में पड़े मतों के हिसाब से तो कांग्रेस को 46 सीटें मिल रही हैं, यानी 46 सीटों में वो भाजपा से आगे रही है, लेकिन विधानसभा चुनावों में निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा को मात देकर 10 सालों के बाद फिर सत्ता में लौट सकती है। और उसमें एक चीज़ और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपको बता दूं कि कुछ सीटों पर कितनी बढ़त रही है, कांग्रेस को कितनी बढ़त मिली है, पिछली बार से कितनी ज़्यादा बढ़त मिली है, तो उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि हाँ सचमुच शायद कांग्रेस इस बार विधानसभा के जब चुनाव होंगे इस साल के अंत तक सत्ता में लौट सकती है। तो वही मैं आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अंबाला में इस बार कांग्रेस उम्मीदवार को पिछली बार से 18.6% ज़्यादा वोट मिले। इसी तरह भिवानी में कांग्रेस उम्मीदवार को 21% वोट ज़्यादा मिले, फरीदाबाद में 20.3% वोट ज़्यादा मिले, गुड़गांव में 11.6% वोट ज़्यादा मिले, हिसार में 33% पिछली बार से कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले। इसी तरीके से आगे बढ़ें तो करनाल में भी जो पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को वोट पड़े थे उससे करनाल में भी इस बार 18% ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। यदि हम कुरुक्षेत्र में करें तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को 17.9%, यानी लगभग 10% वहाँ पर भी मतलब इंडिया यानी आप पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा मिले जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। रोहतक में 24.7% मत ज़्यादा मिले पिछली बार से, तो सोनीपत में 11.4% वोट कांग्रेस उम्मीदवार को ज़्यादा मिले। तो इन सब आंकड़ों से ये साबित हो रहा है कि इस बार प्रदेश की जनता संभवतया कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में जिताएगी और 10 साल बाद कांग्रेस पुनः सत्ता में लौटेगी।
लेकिन इसमें मैं बीच में एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये है कि जिन 5 सीटों पर भाजपा जीती है उसमें उनका मार्जिन पहले से, जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। यानी जो जहां 6-6 लाख, 6.5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, इस तरीके इतने मार्जिन से जो भाजपा के उम्मीदवार जीते थे, इस बार वो मार्जिन घटकर 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, मतलब इसके एवरेज में रहा है। तो हम जो ये आंकड़े देख रहे हैं लोकसभा चुनावों का, जो प्रदर्शन हरियाणा में कांग्रेस का देख रहे हैं, तो इससे ये साबित हो सकता है कि जो कांग्रेस कह रही है इस बार 70 पार, वो 70 सीट ना भी लाए, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस का सपना पूरा होने जा रहा है और वो 10 साल बाद हरियाणा में सत्ता में लौटेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है उसमें वो सफल हो सकती है, और लोकसभा चुनावों के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।